जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए। वो टॉपिक है मानक विचलन, प्रामाणिक विचलन, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि किताब में क्या लिखा है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो किताब में इसको लिखा गया है कि मानक विचलन एक वर्णनात्मक आंकड़ों में इसके माध्य के सापेक्ष डेटा बिंदुओं के फैलाव या बिखराव की डिग्री है। इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा कि इसके माध्य के सापेक्ष डेटा बिंदुओं के फैलाव या बिखराव की डिग्री है, ठीक है। यह बताता है कि डेटा के नमूनों में मान कैसे फैले हुए हैं और यह माध्य डेटा बिंदुओं की भिन्नता का माप है, ठीक है। अब आइए, ये समझ में उतनी नहीं आई होगी क्योंकि यहाँ पर हमें किताबी लैंग्वेज लिखा है। अब हम इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें कि ये क्या होता है। तो इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपके सामने पांच डॉगी होंगे, 1 2 3 4 5, और हमें निकालना है एक मानक विचलन इनके लंबाइयों की, शोल्डर की लंबाई की। तो आप देखेंगे बड़े वाले जो डॉगी है उसके शोल्डर की लंबाई यहाँ है और सबसे छोटे वाले की यहाँ है। तो मानक विचलन हमें ये बताने के लिए कहता है कि जो बड़े और छोटे इनके बीच का माध्य क्या होगा। मान लीजिए हमारा ये माध्य होगा, तो अब माध्य के सापेक्ष इनका फैलाव कितना है, माध्य से ये कितना ऊपर और ये माध्य से कितना नीचे हैं और इसका फैलाव इनके कहाँ तक है माध्य के सापेक्ष, तो वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है। अब मानक विचलन समझ में आ गया, तो यहाँ का मानक विचलन कौन सा है, ये देखिए, ये वाला हमारा मानक विचलन होगा इनके हाइट की 147, यानी कि जो इसका माध्य होगा ना, इसके माध्य से 147 ऊपर और 147 नीचे, यही हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा कितना हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड में 147 हो जाएगा। अब ये निकला कैसे है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना कि मानक विचलन क्या है। अच्छा चलिए हम एक बार किताब की भाषा फिर से देख लेते हैं, समझ में आ जाए। तो मानक विचलन क्या है दोस्तों, मानक विचलन वर्णनात्मक आंकड़ों में, जैसे जो हमारे आंकड़े दिए गए थे उसके माध्य के सापेक्ष, उसके मीन के सापेक्ष, उसके औसत के सापेक्ष बिंदुओं के फैलाव या बिखराव की डिग्री है। कि ये माध्य, जैसे ये हमारे आंकड़े हो गए, तो इसके माध्य के सापेक्ष कितना फैलाव या बिखराव है, तो ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यह बताता है कि डेटा के नमूनों में मान कैसे फैले हुए हैं और यह माध्य से डेटा बिंदुओं की भिन्नता का माप है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा गया है कि एक नमूने का मानक विचलन सांख्यिकी जनसंख्या, यादृच्छिक चर, डेटा सेट या संभाव्यता वितरण इसके विचरण का वर्गमूल है, इसके विचरण का वर्गमूल है, विचरण का वर्गमूल है, ठीक है। अब विचरण क्या होता है, अब आइए देख लेते हैं इसका विचरण क्या होता है। अब इतना समझ में आ गया, अब देखिए इसको निकालते कैसे। पहले जी, अब मान लीजिए हमारे पास ये जो डेटा दिया गया था यहाँ पर डॉगी के हाइट का, तो यहाँ पर 600 mm, ठीक है, ये हम इनका हाइट दिया गया 600 mm, ठीक है। तो अब आइए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 600, अब इसका औसत निकाल लेंगे, इसका 600 है, इसका 400 है और ये वाले का हमारे पास इसका 500, ये हमारे पास डेटा दिया गया, तो हम इसका औसत निकाल लेते हैं। एक का दिया गया 600, 470, 170, 430, 300, ठीक है। तो हमने इसका औसत निकाल लिया, मीन निकाल लिया, हमारा मीन कितना आया 304, हमने 394 हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब इन औसत से हम इनके वैल्यूज़ को घटा देंगे, ठीक है, तो 600 माइनस 394 कर देंगे। इनकी जो भी वैल्यू ये हमें दी गई थी 600, 470, 170, 430 और 300, 600 माइनस 394 हमने ये कर दिया, सबको ऐसे ही घटा देंगे, तो ये हमारा मान यहाँ पे निकल जाएगा कि इसमें 206 का अंतर है, ये माध्य से 76 ऊपर है, ये माध्य से 224 नीचे है, ये माध्य से 36 ऊपर है, ये माध्य से 94 नीचे, ये हमारा निकल गया। अब बस इनके माध्य से जो अंतर हैं इन्हीं के वर्गों के योग का औसत, ये देख लीजिए, इन्हीं के वर्गों के योग का जब औसत निकाल लेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं विचरण। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं विचरण, ठीक है। और बस इसी का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों। इस प्रश्न से देखिए, इस प्रश्न से आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपको एक आंकड़े दिए गए हैं 7, 9, 11, 13, 15, अब इसका मानक विचलन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है मानक विचलन, इसमें नंबर्स ऑफ कितने, 5 हैं, आंकड़े हमें 5 दिए गए, तो हमें क्या किया, सबसे पहले हमने माध्य निकाल लिया,
ठीक है, माध्य हमने निकाल लिया, चलिए बहुत अच्छा किया। माध्य हमारा इसमें निकालेंगे तो हमारा माध्य कितना आया, 11 आएगा, ठीक है, माध्य हमारा 11 आएगा, बहुत सही। हमें निकालना है मानक विचलन, तो मैंने कहा था कि माध्य के सापेक्ष कितना बिखराव है, तो हम देख लेंगे कि माध्य हमारा 11 आया है तो 11 से आंकड़े कितने हैं, जैसे 7 - 11 कितना आया दोस्तों, -4, ठीक है, तो हमने ये आंकड़े निकाल लिए, आंकड़े हमने निकाल लिए, 7 - 11, 9 - 11, 11 - 11, 13 - 15। अब इसी के वर्गों का हम योग का औसत निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनके हमने माइनस करके इसका इस वर्ग कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके हमने इसका औसत निकाल दिया। अब जो हमें औसत प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो हमें यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ है, जो औसत प्राप्त हुआ है उसी का हम वर्गमूल ले लेंगे, अंडर रूट करके निकाल लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों, हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनके औसत, फिर औसत के बाद उस वो माध्य निकल जाएगा और उस माध्य के सापेक्ष जो इनका अंतर है, ठीक है, उन अंतर के वर्गों के योग का औसत करके फिर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अभी हम जब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ और बेहतर समझेंगे, यहाँ हम आपको समझाना चाहते हैं कि मानक विचलन वास्तव में होता क्या। तो दोस्तों क्या कुछ समझ में आया, इन ये शब्द अब समझ में आ रहे हैं कि मानक विचलन वर्णात्मक आंकड़ों में इसके माध्य के सापेक्ष डेटा बिंदुओं के फैलाव या बिखराव की डिग्री है। आप केवल इतना लिख देंगे ना कि प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन क्या है, माध्य के सापेक्ष डेटा का फैलाव या बिखराव, वास्तव में यही होता ही है, माध्य के सापेक्ष डेटा का फैलाव या बिखराव क्या होता है, यही होता है हमारा प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन। अब यह क्या बताता है, यह बताता है कि नमूने में मतलब सैंपल में जो डेटा है वो कैसे फैले हुए हैं और माध्य के सापेक्ष डेटा बिंदुओं की भिन्नता का माप है, मतलब वही है, माध्य के सापेक्ष जो डेटा है उनमें कितना अंतर है, भिन्नता है, इसी का तो माप क्या है, प्रमाणिक विचलन है। दोस्तों समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सवाल जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप ऐसे ही इनके शब्दों में लिखिएगा और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा, एक्सप्लेन नहीं करिएगा, आप थोड़ा सा उसमें कुछ और पॉइंट ऐड करिएगा, आप इसको ऐसे चित्र बना के दिखा दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इसकी बात कर रही हैं। नंबर्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख के आप इसको समझा दीजिए। कुछ और पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा कि मानक विचलन गणना कैसे करते हैं, तो आपने जो समझा उसी को अपने शब्दों में लिखिएगा कि पहले आप माध्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, माध्य कैसे आपने ज्ञात किया, जो प्रेक्षणों का समांतर माध्य है आपने उसका माध्य ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, माध्य से वर्गों का अंतर ज्ञात किया, डेटा का मान माइनस माध्य और स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत, मैंने उसी चीज़ को लिख दिया। उसके बाद वर्गों के अंतर का औसत ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया, जो हमारी भिन्नता आई थी ना उसके वर्गों का अंतर का योग कर लिया और जो संख्याएं उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विचरण इससे प्राप्त क्या हुआ, इसको कहते हैं विचरण, अब विचरण का वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ को हमने इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब लास्ट में आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, हम जो बार बार कर रहे थे ना, तो अब यहाँ पे आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ से निकाल लीजिएगा, करने का मतलब वही चीज़ है, जनसंख्या मानक विचलन या समान है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हमें यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, आप ये फॉर्मूला लिखिएगा और इस प्रकार से आपका मानक विचलन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ये मानक विचलन का फॉर्मूला है। जब हम तालिका वाइज जो हमें वर्ग जो हमें ऐसे ग्राफ बना के दिए रहते हैं ना, जब उसको सॉल्व करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमें मानक विचलन समझ में आ गया कि मानक विचलन होता क्या है। अब मानक विचलन की गणना कैसे करती हैं, जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बताइए आपको समझ में आया, बस इतना समझ कहना कि मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन में जो डेटा दिए गए होते हैं, जो आंकड़े दिए गए, देखिए घबराइए मत, मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मानक विचलन वास्तव में क्या होता है कि जो आपका डेटा दिया है ना, वो माध्य के सापेक्ष उसका फैलाव या बिखराव, बस इसके अलावा और कुछ मत लिखिए, बस इतना लिख दीजिए कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, डेटा बिंदुओं का फैलाव या बिखराव की डिग्री है। तो बस यही हमारा क्या होता है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। चलिए दूसरे वीडियो में हम उस तालिका के प्रश्न देखेंगे कि कैसे इसको ज्ञात करते हैं। प्रक्रिया आप याद रखिएगा, प्रक्रिया में हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद जो हमारा डेटा दिया गया होता है, तो डेटा और माध्य को हम माइनस कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और जो स्क्वायर आते हैं उन सबको योग करके जो 5 होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, वर्गमूल में हमारा इस प्रकार से निकल जाएगा। चलिए हम अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, मानक विचलन की गणना करेंगे। ये तो हमारा था बस मानक विचलन,
ठीक है, मानक विचलन हम पढ़े हैं, इसमें मानक विचलन की गणना कैसे करनी है हम अगली वीडियो में पढ़ सकते। दोस्तों कमेंट में अपनी राय दीजिए, जेन्युइन राय दीजिएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं कि नहीं समझ में आया। अगर चीज़ें समझ में आई एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं कि मानक विचलन क्या है, दिए गए डेटा माध्य के सापेक्ष का बिखराव या फैलाव ही मानक विचलन होता है। ठीक है, समझ में आ गई तो दोस्तों कमेंट बताइए कि समझ में आई वीडियो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में मानक विचलन की गणना। चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जैसा भी हो आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।